हेलो दोस्तों, मार्विस रोबोटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे इस चैनल पे पहला वीडियो है जिसकी शुरुआत हम आर्डिनो से करने जा रहे हैं। हमारे ये वीडियो और आने वाले सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होंगे। तो दोस्तों, आज के ऑब्जेक्टिव्स में हम दो बातें जानेंगे। पहली, हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो, और दूसरी, व्हाट इज आर्डिनो। तो चलिए आर्डिनो का इतिहास जानते हैं। इसकी शुरुआत इटली के इवरिया शहर से हुई, जहां पे एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम इंटरेक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इवरिया है, वहां पे हर्नेंडो बार्गिन ने 2003 में पहला माइक्रो कंट्रोल चिप पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया। इस प्रोजेक्ट में दो लोग और थे, मैसिमो बेंजी और कैजीरियास, जो कि अपने प्रोसेसिंग लैंग्वेज के काम के लिए जाने जाते थे। उन लोगों का मकसद ये था कि वो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सिंपल और सस्ता माइक्रो कंट्रोल चिप तैयार कर सके, जो उनके डिजिटल प्रोजेक्ट में मदद कर सके। आगे चलकर मैसिमो बेंजी ने उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट डेविड मेलिस के साथ मिलकर 2003 में हर्नेंडो बार्गिन के प्रोजेक्ट एट मेगा 168 माइक्रो कंट्रोल को और सस्ता एट मेगा 8 माइक्रो कंट्रोल बनाया। लेकिन उन लोगों ने उनके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाके नाम बदलकर आर्डिनो रख दिया। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आर्डिनो का नाम आर्डुइन ऑफ इवरिया के नाम पे पड़ा, जो कि एक बियर बार है। वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट के फाउंडर्स आके हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये था हमारा आर्डिनो का इतिहास। चलिए अब जानते हैं कि आर्डिनो आखिर है क्या। आर्डिनो एक ओपन सोर्स का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर चिप पे बेस्ड होता है, जिसका इस्तेमाल डिजिटल डिवाइस बनाने में किया जाता है, जिससे कि रियल वर्ल्ड को महसूस और रियल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्डिनो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लोगों के बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप में आया, जिससे यह मशहूर होता गया। लोग इससे जानने लगे और आर्डिनो से आज बहुत सारे प्रोजेक्ट बनने लगे। आर्डिनो के मदद से हम अपने लिए और दूसरे के मदद के लिए कुछ बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें आर्डिनो को इस्तेमाल करने आना चाहिए। दोस्तों, आर्डिनो से हम प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी डिजिटल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम वॉइस कंट्रोल रोबोट, ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोट, लाइन फॉलोअर कंट्रोल रोबोट, वॉल फॉलोअर रोबोट, जैसे कंट्रोल रोबोट, ड्रोन और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम आर्डिनो के मदद से घर के छोटे मोटे इक्विपमेंट्स को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने आपको अभी बताए, ये सभी ऑटोमेटिक काम करते हैं, जिसे हम ऑटोनोमस कहते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर ये सब कैसे करें। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानना होगा, और बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आर्डिनो के बारे में सब बताएं और आपको अच्छे से समझाएं। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े कोई भी
सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी आर्डिनो के बारे में बताएं। और प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।